इट्स ऑल अबाउट होम में मैं सुधा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि कैसे एक पुराने ग्लास के बॉटल को हम एक डेकोरेटिव पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो चाहिए होगा वो थिंग्स हैं, एक कलर पैलेट, वाइट एक्रेलिक कलर और थोड़ा सा स्पंज का कोई सा भी टुकड़ा, कैसे भी, क्योंकि हम जो कलर अप्लाई करेंगे वो स्पंज के टुकड़े से ही इस पर डैप करते हुए पूरी बॉटल पे अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए वाइट कलर को मैंने पूरी बॉटल पे कलर कर लिया है। मुझे दो बॉटल बनाने थे इसलिए मैंने दो बॉटल सेम कलर के ही पैटर्न में कलर करके और बना दिया। अब इस पर आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। मेरी बेटी को पांडा की पिक्चर बहुत पसंद है इसलिए मैं इन दोनों पे, एक पे पांडा बनाऊंगी, एक पे बुद्धा जी बनाऊंगी। तो देखिए मैं अब यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से पांडा की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप चाहें तो आप इस पे कोई भी पिक्चर ट्रेस कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार। यहाँ देखिए मेरा पिक्चर बन के रेडी हो गया है। अब इस पे मैं कलर करना शुरू करूँगी। अब आप अपनी हिसाब से कोई भी कलर इस पे फिल कर सकते हैं, क्योंकि पांडा मोस्टली वाइट एंड ब्लैक होता है तो मुझे ज़्यादा कलर्स के साथ इसमें मौका नहीं मिला कि मैं कलर करूं। और देखिए इस तरह से मैंने इसको एक प्यारा सा पांडा के पिक्चर को बना के और कलर कर लिया है। और यहाँ पे आप अपनी डेकोरेशन के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपनी च्वाइस के हिसाब से कैसे भी पिक्चर बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने पहले भी एक ग्लास बॉटल बनाई थी, ये सेंटर वाली येलो कलर वाली, इस पर मैंने डियर बनाया है। दूसरी वाली बॉटल पे मैंने बुद्धा जी बनाए हैं और इस पर मैंने पांडा के नीचे लव भी लिख दिया, जिससे मेरा थोड़ा सा वहाँ मुझे खाली खाली सा लग रहा। और बीच वाली बॉटल पे मैंने लटकन भी लगाई है। आप देखेंगे कि ये प्यारी सी लटकन देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको अगर मेरी क्रिएटिविटी पसंद आई हो, मेरे बनाए की बॉटल पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे लाइक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।